के उद्घोष से संपूर्ण वातावरण का गूंज उठना स्वाभाविक ही था। कारण कि जिन पर भगवान शिव की कृपा होती है उन्हें सम्मान प्राप्त होता ही है, और जो उनकी कृपा के पात्र नहीं होते उनका अपमानित होना भी स्वाभाविक ही है। जैसे कि देवराज इंद्र स्वर्ग में यज्ञ पुत्र वृत्रासुर अपने सैनिकों से पूछता है, अब तक उसका पता क्यों नहीं चल सका? क्या तुम उसे स्वर्ग पृथ्वी और पाताल से ढूंढ कर नहीं ला सकते? वो मायावी इंद्र हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया स्वामी, हम उसे सभी स्थानों पर ढूंढ ढूंढ कर हार गए। हो सकता है वो हमें देखते ही अदृश्य हो जाता हो। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय! स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय! जय के आगे क्या बोलना है वो बोलो। सम्राट यह देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, तो साथ में है पर्वत इनका शिष्य। क्या करूं इन गुरु शिष्य का मैं, मुझे इंद्र चाहिए। स्वर्ग के गुरु और स्वर्ग के शिष्य को पकड़ कर ले आए हो, मुझे स्वर्ग का राजा चाहिए, स्वर्ग और देवताओं का राजा देवराज इंद्र। स्वर्ग सम्राट, पता चला है कि देव गुरु बृहस्पति नहीं इंद्र और उसकी पत्नी सची को स्वर्ग से भगा दिया है, और ये इसी को पता है कि इंद्र कहाँ है। मुझे इस प्रकार ना देखो वृत्रासुर, मैं इंद्र के विषय में कुछ भी नहीं जानता। मैंने तो स्वयं इंद्र से कहा था कि वो त्वष्टा ऋषि को अपमानित ना करे, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी, इसका परिणाम उसे अब भुगतना पड़ रहा है। वृत्रासुर, हमारे गुरुदेव सत्य कह रहे हैं, इन्होंने इंद्र के अनुचित कार्यों का सदा ही विरोध किया है। हाँ, जय जय ब्रह्मदेव। वृत्रासुर, तुम असुर नहीं यज्ञ पुत्र हो, ऋषि त्वष्टा की सिद्धियों के कारण प्रकट हो, इसीलिए हमारा तुमसे कोई विरोध नहीं और तुम्हारा भी हमसे कोई विरोध होना नहीं चाहिए। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि तुम निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार ना करो। देव गुरु बृहस्पति, हम तुम्हारी बातों से प्रसन्न हैं और हम तुम्हारी बातों पर विश्वास भी करते हैं। सैनिकों, देव गुरु बृहस्पति और उनके शिष्य को मुक्त कर दो। स्वर्गाधिपति के गुरु होने के कारण आप हमारे भी गुरु हैं। आपके परामर्श का हम सदा सम्मान करेंगे। स्वर्गाधिपति वृत्रासुर की जय! वृत्रासुर, 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 कहां थे तुम मित्र? मैं इंद्र अपनी शत्रुता, दुर्भावना और वैरभाव का त्याग करके तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूँ मित्र, तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूँ। मेरे गले से लग जाओ, मेरे गले से लग जाओ मित्र। यज्ञ पिता त्वष्टा के प्रति किए गए सारे अपराधों के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ वृत्रासुर, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो। तुमने मुझे जो भी दंड दिया मैं उसी के योग्य था, मैं मानता हूँ वो उचित है। वृत्रासुर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ मित्र, उसे भूल जाओ, और मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लो। वृत्रासुर, मुझे स्वीकार कर लो। मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता वृत्रासुर, मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया, क्या करूं मैं, मित्र बनाऊं इसे या ना बनाऊं? वृत्रासुर, इस सिंहासन के स्वामी अब तुम हो, मैं इस पर अपना अधिकार जताना नहीं चाहता मित्र, क्योंकि इसके वास्तविक अधिकारी तुम हो। मैं तो केवल तुम्हारी मित्रता चाहता हूं मित्र, केवल तुम्हारी मित्रता। अब जब तुमने यज्ञ पिता त्वष्टा के लिए मुझसे क्षमा मांगी ली, तो फिर प्रतिशोध का कोई प्रश्न ही कहां उठता है मित्र। अब हमारी तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं, अब तो तुम हमारे मित्र हो। आओ मित्र, स्वर्ग के इस सिंहासन पर हम दोनों एक साथ बैठे। आओ मित्र। हाहाहाहा
हे बातेश्वरी, हो भुवनेश्वरी, हे परमेश्वरी, हे अखिलेश्वरी, आप धन्य हैं। पित्रासुर को वरदान में देकर के आपने मुझे कृतार्थ किया है माता। मां भवानी, आप ही की कृपा से मेरे हृदय में जलती हुई प्रतिशोध की ज्वाला शांत हुई है। पित्रासुर ने इंद्र को परास्त कर उसे स्वर्ग से वंचित श्रीहीन कर दिया है। दुष्ट इंद्र को अपने छल कपट और दुष्कर्म का फल मिल गया है माता। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर त्वष्टा, प्रणाम। ओहो, देवर्षि नारद, आइए, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। लगता है कोई विशिष्ट संदेश लेकर आए हैं। संदेश नहीं ऋषिवर, पीड़ा लेकर आया हूँ। पीड़ा? कैसी पीड़ा? ऋषिवर, आपकी परम और श्रेष्ठ सिद्धि का इस प्रकार इससे पूर्व अपमान होते हुए कभी नहीं देखा। स्पष्ट कहो देवर्षि नारद। अब और स्पष्ट क्या कहूँ ऋषिवर, दुख होता है कहते हुए भी कि विशालकाय वृत्रासुर की उत्पत्ति के पश्चात भी आपकी मनोकामना तो पूर्ण हो ही नहीं सकी। देवर्षि, अब तक आपने अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया है। मुझे शंका है, कहीं आप इंद्र का पक्ष लेकर यहाँ मुझे अपमानित तो नहीं करने आए हैं? नारायण नारायण, देवराज इंद्र का पक्ष लेने और यहाँ आकर आपको अपमानित करने की क्या आवश्यकता है? ये कार्य तो आपके प्रिय यज्ञ पुत्र वृत्रासुर ने वहाँ स्वर्ग में देवराज इंद्र के साथ मित्रता करके कर ही डाला है। नारायण नारायण। और ये भी आप जान लें कि मैं इस समय यहाँ देवराज इंद्र का नहीं, आपका पक्ष लेकर आया हूँ। क्या वृत्रासुर ने इंद्र से मित्रता कर ली? हाँ, और उसके ऐसा करने से आपका प्रतिशोध अधूरा ही रह गया। नहीं, ये सत्य नहीं है, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है ऋषिवर। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा वृत्रासुर मेरे शत्रु इंद्र से कभी मित्रता नहीं कर सकता। आप ये भ्रम लेकर यहीं बैठे रहेंगे और उधर उधर नारायण नारायण। वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप तो सिद्ध पुरुष हैं ही। आप स्वयं अपनी यज्ञ ज्वाला में प्रत्यक्ष देख लें कि देवराज इंद्र और आपका प्रिय पुत्र वृत्रासुर स्वर्ग में बैठकर क्या कर रहे, देख लें। बताओ वृत्रासुर कहाँ है और क्या कर रहा है? नारायण नारायण। देख लिया ना ऋषिवर, अब आया आपको विश्वास मेरे इस कथन पर कि ये दोनों अब परम और अभिन्न मित्र बन चुके हैं। अब आया विश्वास? मेरा कार्य आपको सावधान करना मात्र था, सो मैंने किया। अब मैं चला। तत्काल यहां उपस्थित हो। यज्ञ पुत्र वृत्रासुर।